अस्सलामुअलैकुम यारी मदद। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने आया हूँ। उसमें से मेन जो है वो लाल शहबाज कलंदर की यहाँ सजदा का कहते हैं। क्यों कहते हैं, अंदर जाके मालूम करते हैं। ये इलाका आपको बताता चलूँ कि ये कलर का हार का है। यहाँ से तकरीबन दस किलोमीटर के फासले पर जो है वो कलर का हार इंटरचेंज है। और ये रास्ता जो है वो आपके पास चकवाल की तरफ भी जाते हैं। और यहाँ छोटे छोटे गांव हैं और कटास राज टेंपल भी जो है वो इसी रोड पर ही वाक़ है। वहाँ पे भी हम जाएंगे। पहले हम अंदर जाते हैं और जानते हैं कि वाकई ऐसी कोई बात है। गुरु नानक जी को जो है मिलने के बाद और पेशावर खाने के बाद जब मुझे तीसरी जगह पे जाना पड़ा तो अचानक रास्ते में बस में मेरा ख्याल आया मुझे, क्या कोई मेरा कलंदर मुझे मिलेगा। और मैं यही सोचता रहा पूरी रात बस में। बस में जो है सुबह 4 बजे 5 बजे हम उतरे और हमें एक जगह पे रुकना पड़ा। वहाँ पे हमने थोड़ा सा आराम किया, रात भर के भी जागे हुए थे, काफ़ी बातें की लेकिन नींद नहीं पूरी हुई, थकावट बहुत ज़्यादा थी। इतने में जो है वो सूरज निकला और हम चलने शुरू हो गए। चलते 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 हम एक जगह पे रुके और हमने इंतज़ार किया कि कोई गाड़ी आ जाए। काफ़ी देर बैठने के बाद कोई गाड़ी नहीं आई और आंखें जो है वो चुनिया रही थी क्योंकि सूरज सर पे ही था। बस फिर मैंने और अज़त ने फैसला किया, क्यों अज़त चिंजी ले लें, क्या कहते हो? तो मैंने कहा, जब शुरू में हमने कहा था कि चल चलिए, तो जो मिला वो हाजिर है। इत्तेफाक की बात है कि एक चिंजी वाला भी उसी साइड पे जा रहा था और उसने हमें देखा और बोला कि कहाँ जाना है। तो बस हमने बोला कि भाई कलाकार की तरफ ले चलो। और हमने जो है शिवा के जो है उस जगह पे जाना है, कटास राज पे। बस रास्ते में मैं देखता रहा, कच्चा पक्का इलाका, कभी अलम, कभी कोई गांव, कभी छोटे कब्जे। चलते रहे अचानक ही मेरी नज़र एक बोट पे पड़ी और मैं सन्नाटे में आ गया। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि वहाँ पे लिखा था, यार मन बाकमाल और अनाई, खुद तमाशाओ खुद तमाशाई, लाल की सजदा गा। मैंने आगे अज़त की तरफ देखा और बोला चीख के, अज़त लाल की सजदा गा। अज़त ने बोला भाई, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और शायद मैं सारी बात समझ गया था कि अज़त ने कहा कि वापस आके देखते हैं। और फिर हम कलाकार गए, शिवा का सारा कवरेज किया। वापसी में इतनी थकावट हो गई थी कि परेशानी थी। वापसी में एक बस मिली जो बहुत मुश्किल से मुझे सजदागाह तक लेके चली। सजदागाह तक पहुंचने के बाद निढाल हालत में मेरी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन मैं खुश था कि मैं एक लाल की नई चीज़ देखूंगा। और जैसे ही मैं रोड पे पहुंचा और अज़त पीछे था तो मेरे कानों में आवाज़ आई, हैदरम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम, कह संगे कोई शेरे यजदान। आप हरियाली चेक करें और उसके साथ साथ यहाँ करीब में खेती बाड़ी भी हो रही है। पहाड़ी कलर का हार का पहाड़ी सिलसिला भी है और बहुत तवील सिलसिला है। और इसको मोटरवे M2 लगता है और तकरीबन जंगल टाइप का इलाका है क्योंकि यहाँ जंगली पौधे ज़्यादा हैं और यहाँ लोगों का काम आना जाना है।
कहा मैं कलंदर, जैसा कि आपको पता है हम जर्नी ऑफ फेथ की टीम जो है वो लाल शहबाज कलंदर की पूरी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में और बाद के जो साइड इफेक्ट से बाद के जो चीज़ें सामने आई लाल की, जो लाल के पर्दा करने के बाद वो भी, और लाल की ज़िंदगी, लाल से पहले हालात, इन सब पर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और हमारे चैनल पे चल भी रही हैं। उसी सिलसिले की एक और कड़ी यहाँ पर लाल सरकार क्या करने हैं, अंदर चलें और मज़ीद देखते हैं। ये इश्क की बातें होती हैं और जैसे मेरा पहला कदम गया अंदर, सारी थकावट, सारी नींद सबको छोड़ गई और मैंने कोने में देखा कि एक पानी का चश्मा बह रहा था बहुत छोटे पैमाने पर, और मैंने वहाँ पर मुँह धोने शुरू हुआ। अज़द पीछे व्लॉग बनाता हुआ आ रहा था और चारों तरफ जो है वो नज़र मार रहा था कि क्या है। ना ही थी खूबसूरत तरीन जगह थी वो, और ना ही थी खूबसूरत तरीके से इसको सारी जगहों को बनाया हुआ था। और मैं कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे गया और मुंह धोया, सर पे पानी मारा और बिल्कुल ऐसा लगा कि सारी थकावट दूर हो गई है। बस खुशी की इंतहा थी मेरी कि मेरे लाल ने मुझे यहाँ पे वो नायाब चीज़ बख्श दी है अपने साथ जोड़ने की। ये मेरा और लाल का मेरे इश्क है, अभी से नहीं 2017 से, और ये इश्क ही है तो आज तक मैं उसको पूरा ही नहीं कर सका। शायद लाल चाहता है कि मैं उसको ढूंढूं बिल्कुल ऐसे जैसे आपदा परवीन कहती है, ढूंढो के मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो बस ऐसे ही होता है कि लाल शहबाज ने अपने होने का वहाँ पे वजूद जाहिर किया और मैंने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ और मैं अंदर चला गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि हज़रत ने क्या बताया कि ये जगह क्या है, लेकिन मुझे इतना पता था कि बस मेरा लाल यहाँ पे रह के बैठ के इबादत करके और खुदा से हम कलाम करके या लोगों के लिए यहाँ पे आ चुका है और ये जगह मेरे लिए भी खुली है किसी ख़ास वजह से। ये वो जगह है लाल शहबाज कलंदर की जहाँ कहते हैं कि लाल शहबाज कलंदर का मसल्ला था। ज़ाहिर है जब एक कलंदर कहीं पे भी मूव करेगा और उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे तो ऐसे औलिया अल्लाह और बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पे कलंदर जो लाल शहबाज कलंदर हैं, तो उनके साथ पूरी एक काबीना कह लें या एक काफ़िला कह लें, शागिर्दों का भी और मानने वालों का, प्यार करने वालों का, फॉलोअर्स का भी साथ साथ चलता था। तो लाल शहबाज कलंदर इस जगह पे रुके और काफ़ी अर्सा रुके। हुआ कुछ यूँ कि इस इलाके से वालों को जब पता लगा कि लाल शहबाज कलंदर सिंध में जो है वो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, सबका दिल जीत चुके हैं और उन्होंने वो इंसाफ कायम कर दिया कि लोग उनके जो है वो गर्विदा हो गए हैं। मुसलमान तो एक तरफ जितने भी उस वक्त के मजाहिब थे सब लोग उनको मानते थे और उनको अपना देवता यानी कि लाल के नाम से पुकारते थे। ये आपको लाल की वीडियो में बताऊँगा मैं जो बनाया चुका हूँ मैं कि लाल को लाल क्यों कहते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ लाल शहबाज कलंदर का जिक्र कर रहे हैं कि लाल शहबाज कलंदर यहाँ के लोगों के इसरार पर जो है वो आए और उन लोगों ने जो है वो खतूत भेजे और पैगाम रसा लोग भेजे और उनको यहाँ बुलाया। जब लाल शहबाज कलंदर यहाँ पर आए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी उस दौर में थी जो इंसाफ नहीं मिल रहा था बहुत से लोगों को, चाहे वो गैर मुसलमान हो या मुसलमान हो। तो उनकी ज़मींदारी, उनकी ज़मीनें, उनकी जानो माल, उनकी हर चीज़ का लाल ने जो है वो हर मुमकिन जो है उनका साथ दिया और उनको जो लोग तंग करते थे उन्हें भी तंबीह की और उन्हें भी जो है वो इस्लाम के दायरे में किया और उसके साथ साथ जो है उन्हें नसीहत की। ये वो जगह है जहाँ पर लाल काफ़ी अर्सा ठहरे और उनके साथ बहुत सारे लोग थे और उसके साथ साथ
इर्द गिर्द के इलाकों में जैसे जैसे पता लगता गया कि लाल शहबाज कलंदर जो हैं वो आए हुए सिंध से, तो बहुत दूर दराज से लोग जो हैं उनके पास आने लगे और यहाँ एक मुलाकात का लंबा सिलसिला सारा दिन जारी रहता था और दिन रात लोग आते थे काफलों की शक्ल में और एक जमात की शक्ल में और यहाँ आके लाल के पास बैठते थे। यहाँ लंगर का बहुत बड़ा पीछे इंतज़ाम था। इसी तरह पीछे कहा जाता है कि लाल शहबाज कलंदर का एक कुआं भी था और उसके साथ एक चश्मा बह रहा था और उसके साथ तालाब था जिस तालाब में वो नहाया करते थे और बाकी मामला भी लोगों के वहाँ चलते थे। तो ये वो सीक्रेट है इस जगह के जो हमने आपको बताया। वैसे ये जगह जो मशहूर है, ये जगह मशहूर है लाल के सजदागाह के तौर पर, क्योंकि जब एक वली और एक कलंदर किसी जगह पर पहुंचता है तो वो अदल और इंसाफ कायम करता है जो जिसकी ज़रूरत होती है। वली और कलंदर में ये फ़र्क होता है कि वली जो है वो वलायत के थ्रू आपको इल्म फैला रहा होता है और कलंदर जो है वो उस इल्म पे अमल करवा रहा होता है और जलाली बहुत होते हैं। तो लाल शहबाज कलंदर का रुतबा आप जानते हैं, मैं क्या इस छोटी सी जबान से जिक्र करूँ। बरहाल ये वो जगह है जहाँ पर कुछ अर्सा यानी कि काफ़ी तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा जो है लाल ने इस जगह पे गुजारा और लोगों की वो तालीम दी लोगों को और वो एक अहले बैत का तरीका बताया जिससे आज भी ये इलाका जो है वो मनवर है। और यहाँ पर मुसलमानों के अलावा और भी बहुत से आगे आप जाए तो शिवा की भी मंदिर मिलेगा आपको और सिखिज़म की बहुत सी आ रही और बुद्धिज़्म की और हिंदुइज़्म से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ आपको टेम्पल्स भी मिलेंगे और यहाँ पर उनकी यादगारें भी मिलेंगी। तो मैं भी गया यहाँ उस वक्त में, लाल शहबाज कलंदर ने वो इंसाफ बनाया क्योंकि हिंदुइज़्म में ने के मानने वाले लोगों ने लाल को लाल का लकब दिया था, देवता का लकब दिया था। इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो आज भी इस यादगार को जो है वो सदियों बाद भी जो है संभाले हुए हैं और इसकी देखभाल का तरीका जारी है और इसकी मरम्मत और ये बनाना और ये सब चीज़ें यहाँ के लोकल लोग ही कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये लाल की सजदागाह है। बस हाथ मुंह धोने के बाद मैं अंदर गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लाल की खुशबू इस पूरे कमरे में महक रही है और मैं सजदे में पड़ा रहा और कहाँ गया ये नहीं समझा सकता था। बस दो आंसू वहाँ पे गिराए और कहा कि मैं चाहता हूँ मैं इस जगह पे दोबारा आऊँ। तो कान में बात आवाज़ आई कि इस दफ़ा कम, अगली दफ़ा पूरी रात। बस यही एक मुस्कुराहट लेके मैं वहाँ से निकला और आखिरी सजदा सलाम किया और कहा कि मैं दोबारा आऊँगा। ये है मेरे प्यार की, लाल की और मेरे इश्क की कहानी और इस जगह की कहानी जो मेरे दिल में रह गई थी, आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। ये मुख्तसर सी मालूमात जो यहाँ के हमें पता लगी और यहाँ आकर हमें अंदाज़ा हुआ और इतना ख़ूबसूरत इलाका और इतनी इम्पोर्टेंट जगह और बदहाली का शिकार है। ये फिर भी मैं सलूट करूँगा इन लोगों को जिन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है, इस जगह को, और इसकी देखभाल करते हैं। और लोग हर जगह अच्छे बुरे होते हैं और यहाँ पर भी जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं जो लोग नेगेटिव करते हैं। अल्लाह उन्हें नेक हिदायत करे। बस मैं ये आपको बताना चाहूँगा, ये खूबसूरत इलाका
कलर का हार की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ये सिलसिला शुरू हो रहा है मेरे पीछे और उसके दामन में बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो है ये लाल शहबाज कलंदर की वो यादगार है जो शायद मेरे ख्याल से 100 में से एक को या शायद एक को भी ना पता हो। ये वो जगह है जो लाल के चाहने वाले हैं और जो लाल को प्यार करते हैं वो लाल की हर चीज़ से प्यार करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लाल सरकार ने कई लोगों के साथ दावत कबूल की और सिंध से जो है वो सफ़र करके इधर आए और कई महीने यहाँ के मुख्तलिफ लोगों को तंबीह भी की और उसके साथ साथ इल्म भी और अमल भी और अपने अखलाक से और खिदमत से जो है लोगों के दिल और किबला जो है वो दुरुस्त किए और उसके साथ साथ यहाँ पर अपनी याद के तौर पे ये जगह छोड़ गए और आज भी जगह जो है वो तकरीबन 800 साल के बाद भी कायम व दायम है। तभी मैं अक्सर कुरान की ये आयत का तर्जुमा बोलता हूँ कि खुदा जिसको चाहता है उसको कायम रखता है, यानी कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के ख़ास मुकर्रब बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने खसूसी अल्फाज से कुरान में जो है इनकी तारीफ़ की है। ये वो लोग हैं जो रहती दुनिया तक इनके निशानात कायम रहने वाले हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा काम कर गए, ऐसी यादें छोड़ गए पीछे या ऐसा तरीका छोड़ गए अहले बैत का जो किसी न किसी ज़माने में कोई ना कोई उसको फॉलो करता हुआ नज़र आएगा आपको, चाहे वो आप ही क्यों ना हो या आपके गिर्द में लोग क्यों ना हो। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ये मेरा लाल सरकार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है लाइफ के बारे में ये उसकी एक कड़ी है जो हम यहाँ कलर कहार के इलाके में यहाँ पर करने आए हैं आपके लिए वीडियो बनाने। थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रहा था और हमने लाल शहबाज की जो है वो सजदा गाह यानी कि चिल्ला गाह कह लें या इबादत की जगह या क्याम की जगह के बारे में आपको बताया और वहाँ के जाविर से भी हम मिले। अब मैं जिस शख्सियत से आपको मिला रहा हूँ वो वहाँ के ऑनर हैं, उन्होंने वो ज़मीन जो है इनको विरासत में मिली है। नहीं यार, ये हमारी जो जगह है ये हमारे बाप दादा की हमारी जाति जो है ये जगह है, ये तकरीबन 1200 कनार रकबा हमारा, ये हमारे आबाओ अजदाद के दौर में पहले इधर हमारा कुआं हुआ करता था। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने वहाँ से उसकी वो नाली बना रहे थे कुएं के पानी की। तो हमारे बड़े जो थे उनको ये ख्वाब में आए कि या तुम्हारा ये इधर कुआं चलेगा शहबाज कलंदर सरकार या ये कुआं मेरा चलेगा। तो वहाँ से वो हमारे एक बुजुर्ग, उनकी डेथ भी हो गई, उन्होंने वो बना रहे थे अपनी नाली तो खून की ऐसे धार निकली, छींटे उन पर पड़ी तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया। फिर ये दो कुदरती चश्मे वहाँ से कुछ अरसे बाद टूटे वहाँ से, फिर इनको हमने आगे से थोड़ा बनी छनी लगा के ये हमने नाली बना के ये जगह जो है हमारी ज़मीनों को भी सराब करती है। ये हमारा पहाड़ी इलाका है, हमारे इस टाइप के ज़मींदार तो नहीं है जिस तरह ये जनूबी पंजाब में ज़मींदार होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सरकार की ये जो अता है हमें पानी वाली पहाड़ी इलाके में, हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब आदमी हैं जो ये सरकार का चश्मा टूटा है और हम अपने आप को एक बड़ा अच्छा ज़मींदार कहलाते हैं। तो ये बड़ी उनकी करम नवाजी है जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। तो नवी साहब, नवी नाम है इनका और ये यहीं करीब में ही रहते हैं। चक खुशी गांव में रहते हैं और उसी के बिल्कुल बाहर मेन रोड पे जो है लाल शहबाज कलंदर की सजदा गाह जो है वो इनकी नस्लों में आ रही है खिदमत इनकी और वहाँ के जितने भी इंतजाम होते हैं ये खुद अपने हाथों से भी करते हैं और एक मुजाविर भी रखा हुआ है। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। ये वो इत्तफाक है हमारा कि हम यहाँ बैठे स्टॉप पे, हमें नहीं पता था, हमने इन्हीं से इनकी बस सर्विस भी चलती है, उनकी टिकट ली और उसी के बाद चलते चलते पता लगा कि ये उस ज़मीन के ऑनर भी हैं। तो हमारी खुश नसीबी है कि हम इनसे भी मिले और यहाँ पे हम लाल शहबाज कलंदर की उस जगह की ज़्यारत की है जो शायद ही 10 में से एक को पता होगी या 100 में से एक को पता होगी। ये वो है, ये वो प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें हमने लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहे हैं और ख़ुद ब खुद हमारे साथ मौजे भी हो रहे हैं और ख़ुद ब खुद लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जो आके हमें बता रहे हैं कि ये लाल शहबाज
कलंदर यहाँ पे भी आए, इन्होंने ये भी किया, उनका ये भी मुआवजा है, तो वहाँ और भी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वहाँ पे हम रात भी रहेंगे और रात में रहकर वहाँ इबादत भी करेंगे और आपको उस चश्मे की भी ज़्यारत कराएंगे और उसके पीछे जहाँ लाल जबाज कलंदर नहाया करते थे वो जगह भी आपको दिखाएंगे और इनके खेत और बागात भी आपको दिखाएंगे। तो जब तक के लिए इंतज़ार करें और नए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अल्लाह।